अलैकुम। ठीक है, कौन साहब हैं जी? सर क्या कह रहे हैं जी? करा दें बात, फॉरवर्ड कर लें। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं सर? बिल्कुल इस्माइल बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। देखिए सर, हम खुद स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। बिल्कुल आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे या जो भी आप जिस तरह कह रहे हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं भी उसका आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जवाब दूंगा। फरमाइए आप। देखें जी, ओवरसीज़ टू में आपने सर, आप कह रहे हैं कि आपका प्लॉट है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। ओवरसीज़ टू देखें, एक तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाता हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जी ओवरसीज़ टू की डेवलपमेंट क्यों अभी तक नहीं हुई, मैंने प्लॉट लिया हुआ है। देखें, हमने सिंपल 2019 के अंदर ओवरसीज़ वन लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 के अंदर हमने पोजेशन अनाउंस कर दिए। पिछले हफ्ते हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, वो हमारी वीडियोज़ वगैरह आप देख सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमारी वो देख सकते हैं सारी चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 1 साल के अंदर डिलीवर किया। उन लोगों की अभी किस्तें भी पूरी नहीं हुई, 2021 के एंड में जाके किस्तें पूरी होंगी, पोजेशन अभी से हमने दे दिए। तो इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी आपने 2020 के अंदर प्लॉट लिया ओवरसीज़ ब्लॉक टू के अंदर, रिसेंटली जो मलिक असलम साहब ने जो तकरीर की उसमें भी आपने सुना कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट आपको 3 साल से पहले पहले इंशाल्लाह कब्ज़ा देगी। ये आपके साथ कंपनी का वादा है, ये हमारा भी वादा है, क्योंकि कंपनी की बात हमारी बात है, ठीक है ना। डेवलपमेंट जाहिर बात है, ओवरसीज़ वन पहले आया इसलिए पहले डेवलप हो रहा है। ओवरसीज़ टू की प्रॉपर ज़मीन मौजूद है, उस तरफ मशीनरी की फ़्लीट आप समझ लें कि इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाएगी। यही ओवरसीज़ वन वाली ओवरसीज़ टू पे चली जाएगी, यहाँ से पोजेशन हो गई, ये मशीनरी फारिग हो जाएगी, ये वहीं पे जाएगी और वहीं पे काम करेगी। आपने 2020 में लिया हुआ है, 21 22 23, आपका 2023 में जाके प्लान ख़त्म हो रहा है। आपको इंशाल्लाह 2021 के एंड और 2022 तक, इंशाल्लाह 2022 में आपको कन्फर्म पोजेशन मिल जाएगी सर, उसमें कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखें सर, इंटरचेंज की जो बात है ना, इंटरचेंज अप्रूव्ड है, इंटरचेंज अप्रूव्ड है मेरे पास। बल्कि मैंने परसों एक वीडियो बना के उसमें, एक सेकेंड, मैंने एक वीडियो बना के उसमें कागज़ भी दिखाया है पिछली वीडियो में, कि बल्कि मैं उस पर पढ़ के आपको सुना देता कि उस पर क्या है। करें वो आप मेरी बल्कि वीडियो देखें इंटरचेंज के हवाले से, मैंने बनाई है उस, वो मैं आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको लिंक भी भेज देते हैं। इंटरचेंज जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का प्रॉपर NHA से अप्रूव्ड है, ठीक है ना। और इंटरचेंज एक हकीकत है, इंटरचेंज एक हकीकत है और इंशाल्लाह इंटरचेंज बन के रहेगा। बल्कि एक सेकंड, कागज शायद इधर पड़ा हुआ था। ये सर, इंटरचेंज ग्रांट ऑफ NOC फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड इंटरचेंज एट किलोमीटर 3332 3332 MS फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द प्रोजेक्ट नेम एज कैपिटल स्मार्ट सिटी अलॉन्ग M2। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपके साथ इस इंटरचेंज की तस्वीर भी शेयर करता हूँ। ये प्रॉपर इंटरचेंज आएगा और ये हकीकत है, यहाँ ये मतलब वैसी बातें नहीं है। लेकिन इंटरचेंज बनना एक छोटा क्या छोटी सी एक वो नहीं बन रही, पूरा मोटरवे ब्लॉक करना है। और जिस तरह मलिक असलम साहब ने अभी रिसेंटली इंटरव्यूज़ और काफ़ी चीज़ों में कहा कि इंशाल्लाह 2021 के स्टार्ट वाले क्वार्टर में आपको एक बेहतरीन खुशखबरी मिलेगी, तो इंशाल्लाह इंटरचेंज जो है ये 2021 के अंदर बनेगा। और मैं ये आपको चीज़ बता दूँ, इंटरचेंज जब बनेगा तो यहाँ पर लोगों की ख़रीदारी से चीज़ें निकल चुकी होंगी। हाँ, लाखों गाड़ियां M2 मोटरवे पर गुजरती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी बजाते खुद एक बहुत बड़ी मार्केटिंग होगी। जब लिखा होगा कि स्मार्ट सिटी इंटरचेंज, तो हर बंदा कहेगा मुझे यहाँ पे प्लॉट चाहिए, ठीक है ना सर। देखें जी, डेवलपमेंट चार्जेस की आप बात कर रहे हैं, एक तो डेवलपमेंट चार्जेस चल मैं बता भी देता हूँ, अंदाजन 1.25 से 1.5 लाख के दरमियान पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट्स में आप प्लॉट लेंगे तो डेवलपमेंट चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। क्यों? उसकी एक ये कि यहाँ पर आपको कोई गली और कोई सड़कें तैयार करके प्रोजेक्ट छोड़ नहीं देना। अब सिंपल इससे हिसाब लगाएं कि जो वेस्टेज का सिस्टम आ रहा है वो 10 करोड़ रुपए का एक सेक्टर के लिए, जो स्मार्ट कचरा उठाने वाला निज़ाम, स्मार्ट वेस्टेज सिस्टम आ रहा है वो, फिर यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स, फिर यहाँ पर जो एक मून कंसेप्ट आ रहा है, फिर यहाँ पर जो डैम बन रहा है, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं, रेसिंग ट्रैक्स बन रहे हैं, ये जो और बड़ी बड़ी एमिनिटीज़ आ रही हैं, गोल्फ कोर्स आ रहा है, ये सारी आपकी कॉस्ट पे आएगा। तो ये सब जो चार्जेस हैं उसके, और मैं एक और आपको चीज़ बता दूं कि डेवलपमेंट चार्जेस शामिल करके भी इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों के अंदर
इसको गनीमत समझेंगे, आप कहेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट करके अच्छा किया, आज ये चीज़ जंगल है, ये मंगल बनेगा। आप बैरियर टाउन को देख लें, डीएचए को देख लें, आज से 10 साल पहले चले जाएं और 10 साल पहले आ जाएं। ये मेरे सामने इधर प्लॉट है, 10 मरला प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट है ये, रिवर कमर्शियल में मुझे कोई 6.5-7 करोड़ का नहीं दे रहा। तो मतलब यहाँ पे 10 मरले प्लॉट की वैल्यू देखें। रिहायशी प्लॉट बैरियर टाउन फेज 7 में अब है ही नहीं, फेज 8 के अंदर जो बिल्कुल एंड पे जाके जो है ना 30-35-40 लाख रुपए का कैश के ऊपर, टॉप सिटी के अंदर 45 लाख रुपए के ऊपर उन्होंने किस्तों पे निकाला। तो इंशाल्लाह तो स्मार्ट सिटी है, ये एक हकीकत है, और इंशाल्लाह ये तमाम गिले शिकवे आप लोग के वक्त के साथ साथ ये ख़त्म हो जाएंगे। क्या चीज़? नहीं, ये ओवरसीज़ या पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट दूर है, प्रोजेक्ट दूरी के ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देखें, पर्चियों में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी था अपने पास वो सारी चीज़ें, पर्चियों पे वो मैंने एक वीडियो भी बनाई भी है, उसमें आप देख सकते हैं कि अब M2 मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज बनने के बाद ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर, 0 पॉइंट से 35 किलोमीटर, कश्मीर हाईवे से 14 किलोमीटर, सदर से 23 किलोमीटर, टोल प्लाजे से 15 किलोमीटर, ब्लू वर्ल्ड सिटी से 8.5 किलोमीटर, रिंग रोड से 3 किलोमीटर, टॉप सिटी से 12 किलोमीटर फासले के ऊपर आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशंस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ, वो आप देखेंगे तो आपको इन डेप्थ जाके पता लगेगा कि स्मार्ट सिटी की लोकेशन क्या है। लेकिन ये देखें, अब ये तो चाम है ना, ये तो एक इंतज़ार है, ये अगर इंटरचेंज पहले बन चुका होता तो आज इस लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट ना होता। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, और इंशाल्लाह जब इंटरचेंज आएगा मैं अभी उस फीलिंग का इजहार नहीं कर सकता कि जब इंटरचेंज आएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी प्रोजेक्ट्स की, और इस जगह पे कौन किस किस्म का एक बूम आने वाला है, उसको अभी हम डिस्कस ही नहीं कर सकते जब तक इंटरचेंज नहीं आता। लेकिन इंटरचेंज एक हकीकत है, उसके ऊपर आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी से पूछें, उसके ऊपर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के हाई मैनेजमेंट से जाके पूछें, इंटरचेंज आएगा। ये लोग जो गुमराह कर रहे हैं कि जी इंटरचेंज नहीं आ रहा, वो अपनी चीज़ मंजन बेचने के लिए ये सारा कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हकीकत है, इस हकीकत से डिनाई नहीं किया जा सकता। ये तो जाहिर बात है, इस प्रोजेक्ट की जो हकीकत है, RDA से अप्रूव्ड वाहिद प्रोजेक्ट है, बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब इलीगल हैं। तो जब इलीगल चीज़ बेचनी हो, जब या कोई सस्ती चीज़ बेचनी हो, या जब आपने ऐसी चीज़ बेचनी हो जो ना ना बिक्री हो, तो उसके लिए आपने साथ वाले प्रोजेक्ट्स के और कंपेटेटर प्रोजेक्ट्स के लिए यही बहाने बताने होते हैं कि जी इसमें तो पुल नहीं बना, इधर तो इंटरचेंज नहीं बना, ये तो इतना किलोमीटर है, इतना किलोमीटर। तो ये सारी बातें हैं सर, ये हम 2017 से सुनते आ रहे हैं, 2017 में यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आज आप प्रोजेक्ट पर जाएँ, आपको इस टाइम रात का मिसाल के तौर पे 6:53 बज रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, आप जाके देखेंगे तो आपको इतनी मैसिव डेवलपमेंट नज़र आएगी, 2 शिफ्टों में मशीनरी काम कर रही है। बाकी सर आप जब पाकिस्तान आएँ मोस्ट वेलकम, आपको इंशाल्लाह प्रोजेक्ट विजिट भी करवाएंगे, आप प्रोजेक्ट विजिट करके करेंगे। आप जैसे नॉर्वे से बहुत सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ोन करते रहते हैं, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, साकिब साहब बहुत प्यारे भाई हैं मेरे नॉर्वे से, और हमारी अथेंटिसिटी और हमारी जो प्रॉपर्टी नामा की हमारी कंपनी की जो वादे हैं उसको जानने के लिए आप किसी भी पाकिस्तानी से, किसी पाकिस्तानी कम्युनिटी में जाके आप नॉर्वे में हमारा पूछ सकते हैं। अब माजिद साहब हैं, उनके दोस्त हैं, उन्होंने हमसे इन्वेस्टमेंट की है, मैडम नूरीन ने की है, बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की है, हाँ, तो असलम साहब ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, और इंशाल्लाह इस पर आपको फ़ायदा होगा। और बल्कि आप तो बात एक दरमियान में बताना भी भूल गया, ओवरसीज़ 2 में तो अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग ही नहीं हो रही, हमारा पूरा प्रोजेक्ट बिक चुका है, सेल हो चुका है, यहाँ पे ओवर सेलिंग का एक चांस नहीं है। आप 50 करोड़ रुपया भी लें तो आपको ओवरसीज़ 2 के अंदर नया प्लॉट नहीं मिल सकता, नई बुकिंग नहीं मिल सकती। ये कंपनी की स्ट्रेटजी है कि जितनी ज़मीन है उतने प्लॉट, और बल्कि ज़मीन से कम प्लॉट आएंगे, इनके पास अभी भी ओवर ओवर ज़मीन पड़ी हुई है, लोगों के पास ज़मीनें नहीं है प्लॉट बेचने, इनके पास ज़मीनें हैं प्लॉट कम बेचने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा, और आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत सारी हमारे कम्युनिटी ये क्वेश्चंस बार बार करते रहते हैं, और इंशाल्लाह इस एक एक क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक एक वीडियो बनाई हुई है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। चैनल अगर आप मेरा देख रहे हैं तो उसमें मैंने ये जो दूरी की बात करें इस दूरी के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। तो इंशाल्लाह आप हमारे दिलों के करीब हैं, और इसी तरह स्मार्ट सिटी शहर के करीब है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, और आपका बहुत शुक्रिया।
आपने हमें फ़ोन किया और हमें हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स की भी। बाकी मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई सवालात हैं, तो हमारी टीम आपके साथ इन टच है। वो फाइल वगैरह को कोई मसला, कोई इंस्टॉलमेंट अपडेट नहीं हुई तो उसका कोई मसला, तो आप उस पर कर सकते हैं। मज़ीद फीडबैक और कंप्लेंट्स के लिए आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर। ये तो लैंडलाइन पे आपने किया हुआ है, 0331-9840145 मेरा पर्सनल नंबर है। इस पे आप मुझे किसी किस्म के फीडबैक के लिए मैसेज कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उस वाले से गाइड करते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।